हेलो स्टूडेंट्स, आमे आज दशम श्रेणी व्याकरण बहर प्रथम अध्याय एक अंश जहाँ कि तुम वाक्य रूपांतर विषय पढ़ा यह तुम व्याकरण बहर दशम पृष्ठार अच्छी तुम्हें बही को मध्य देखि पार। वर्तमान चलो प्रथम जाणी नवा वाक्य रूपांतर क्या कहुए। गोटे प्रकार वाक्य को जदि आम तार अर्थ किसी परिवर्तन न करी ताकु अन्य प्रकार वाक्य रे परिणत करिबा ताहले ताकू वाक्य रूपांतर बोली कहा जाए। जेपरी देख गोटे वाक्य तुम सरल वाक्य जानी सरल वाक्य जौगिक वाक्य जटिल वाक्य आम प्रकार भेद विषय पढ़ी आम बर्तमान सरल वाक्य आम जौगिक किंतु तार भावर कौन परिवर्तन हम ना कि तार अर्थर कौन परिवर्तन हम ना से वाक्य से सरल वाक्य को आम जटिल वाक्य परिवर्तन करवा कि तुम ना भावर परिवर्तन हम ना तुम अर्थर परिवर्तन घटव बुझिपारछ ताकू ही कहती वाक्यर रूपांतर। अर्थात तुम्हें सरल वाक्य जौगिक वाक्य परिणत कर कि जटिल वाक्य परिणत कर तार कौन अर्थगत परिवर्तन हेबो नाही। वर्तमान चलो देखिद वाक्यर रूपांतर। कहिबा समय रे वक्ता गोटे वक्तव्य को विभिन्न भंगी में प्रकाश करती फल वक्ता उद्देश्य प्रकाश पाए से जहाँ कहवापी चाहते तार कथा ही प्रकाश पाई जाए से कौन कहवापी चाहते कहार लक्ष्य कौन तर उद्देश्य कौन श्रोता बुझीपारती श्रोता मैंने जी शुणे से श्रोता जी कहे से हूँ वक्ता। गोटे प्रकार वक्तव्य को बेले बेले अन्य प्रकार करा जाए था बेले बेले कथा को अल्प कथा को बहु भाव आम कहू कि बहु कथा को आम अल्प भाव प्रकाश करूँ। तेणु चल पाने एहाकु आमे एक सुंदर उदाहरण तुम बहिरे देइछि ता माध्यम रे बुझिबा। देखो उदाहरण कर देखो तुम्हें जीव स्वामी ओ स्त्री स्वामी ओ स्त्री खाली देखो स्वामी ओ स्त्री एठाकु आसीथिले से दुई जन जाक मो सांगर भाई ओ तांको स्त्री। अच्छा एड़ देखो एठे तुम्हें समास रे भी पढ़िचो स्वामी ओ स्त्री एहाकु जदि आमे छोटो करी आम अल्प कहले कौन हो स्वामी स्त्री को दंपति बोली आम लिखिपर स्वामी स्त्री को दंपति बोली आम कर बुझिपार देन देखो से दुई जन जाक मो सांगर भाई और तांक स्त्री भाई और तांक स्त्री को कौन कहती तांक स्त्री। देखो ये दुईट पद हो गला कि नहीं आपको गोटे पद जदि आम स्त्री को भाउज बोली कहीपर तेणु एठार आसीथिबा दंपति एठाकु आसीथिबा दंपति मो सांगर भाई ओ भाउज बहुत छोट कर बर्तमान कही पारे तार अर्थ किंतु कौन सी प्रकार तुम परिवर्तन घटिला ना हाँ कि नहीं जो स्वामी और स्त्री एठाकु आसीथिले एडाकु आमे छोट कर देले एठाकु आसीथिबा दंपति से दुई जन जाक मो सांगर भाई ओ तांका स्त्री मो सांगर भाई ओ भाउज बुझिपारल यह किपर भाव छोट कर लिखाई पारा कि अर्थ भी परिवर्तन हलानी भाव भी परिवर्तन हलानी आउ समान तार वाक्यर अर्थ रहिला। तो मुझे ये तुमको आउ गोटे कहूँ ये लिखुची हरि दिनकु दिन हरिर दिनकु दिन दुष्टामी बढ़ी चली हरिर दिनकु दिन दुष्टामी बढ़ी चली तो ये मुझे उदाहरण तुमको कहूँ ताकि हरिर हरिर दुष्टामी दिनकु दिन देख ये दिनकु दिन बढ़ी चली तार किंबा तांकर तार बापा मांकु जणाइबाकु पड़िबो। तो एठी जो दिन को दिन जोटा लिखिली मुईटा दिन को दिन
एटा को आमे कौन करि परिबा एटा को आमे प्रतिदिन बोली लिखि परिबा कौन लिखि परिबा प्रतिदिन छोट बर्तमान हे कला कि नाही बर्तमान एठी जे लिखिली बापा ओ मांकू एटा को मध्य आमे कौन करि परिबा तार अभिभावक को जणैबा तार अभिभावक को जणैबा को पड़िबो एटा को आमे अभिभावक बोली मध्य लिखि परिबा बर्तमान छोट हे परला कि नाही किंतु तार अर्थ किछि मध्य बदली नाही तार अर्थ रे कोनोसी परिवर्तन होई नाही बुझी पारलो ए परि भाबरे तुमे मध्य निज मनरु उदाहरण निजे तयारी करि पारिबो देन देखो एडी लेखा हला वाक्यर प्रथमे जे स्वामी ओ स्त्री एठाकु आसतिले स्थान रे द्वितीय बाकरे एठाकु आसीथिबा दंपति बोली लेखा गला एठाकु आसीथिबा दंपति बोली लेखा गला हां कि नहीं तो प्रथम वाक्यर दीर्घता द्वितीय वाक्य रे नाही प्रथम वाक्यर दीर्घता द्वितीय वाक्य रे तुमर नाही तो जेउ स्वामी स्त्री तुमर एठी गला दंपति आउ देन देखो भाई ओ तांको स्त्री हे गला तुमर भाई ओ भाउज एडी दुईटी पद थिला तांको स्त्री ताहा हे गला तुमर कोन एठी भाउज बुझि परलो वर्तमान चलो देखिबा नेक्स्ट पेज जिबा तो वर्तमान वाक्यर रूपांतरर एठी तुमर डेफिनेशन डा देछि देखिनियो वाक्य गोटे प्रकार वाक्य को अर्थ परिवर्तन न करी अन्य प्रकार वाक्य रे परिणत करबा को वाक्यर रूपांतर कुहा जाय बुझी पारलो ताले सेठी तुमर जो आमे प्रथम उदाहरण एवं द्वितीय उदाहरण दुईटी जगह देखिले जे आमे बहुल शब्द को नहीं गठित वाक्य को मध्य आमे अल्परे मध्य ताकु करि पारिले अल्परे मध्य वाक्यटी को एते सुंदर भाव लिखि पारिले जे जहार अर्थ परिवर्तन हेला नाही किंबा भावर मध्य परिवर्तन हेला नाही बुझी पारलो वर्तमान देखो वाक्यर गठनगत रूपांतर हरि भल नाचिबारु सुनाम अर्जन करिछि हरि भल नाचिबारु सुनाम अर्जन करिछि एटी तुमर केतोटी समापिका क्रिया अछि ना गुटिए समापिका क्रिया आमे सरल वाक्य काहाकु कहंती पढ़िथिले जेउ वाक्य रे केवल गुटिए मात्र समापिका क्रिया थाए ताहाकु सरल वाक्य कहा जाए बर्तमान एटा हो गला तुम सरल वाक्य यही सरल वाक्य को ही आम जौगिक वाक्य लिखा किंतु तार कौन सी अर्थ परिवर्तन करिबा नाही देखो हरि भल नाचुची हरि भल नाचुची ओ ओ देख तुम ये अवय लगला ओ एथिपाय सुनाम अर्जन करिछि अर्थर किछि परिवर्तन हेला कि किछि हेला नाही किंतु एटा गोटे जौगिक वाक्य हो गला एटा गोटे जौगिक वाक्य तुम हो गला हाँ कि नहीं तो देन देख एटा को ही पुणी आम आउ थे से सरल वाक्य को हरि भल नाचिबारु सुनाम अर्जन करिछि एही सरल वाक्य को आम पुणी आउ थे जटिल रे करि परिबा देख जदि हरि भल नाचिबो जदि हरि भल नाचिबो तेबे से सुनाम अर्जन करिबो बुझि पारछो जदि तेबे जेते बेले सेते बेले एही परि भाबरे तुमर तुमर निश्चित भाबे आश्रित वाक्य आउ प्रधान वाक्य उभय तुमर रहिबे हैला तेबे से सुनाम अर्जन करिबो एटा हे गेला तुमर जटिल वाक्य अर्थ कोनोसी भाबरे अर्थर परिवर्तन हेला नाही अर्थ परिवर्तन हेला नाही अर्थ परिवर्तन हेला नाही हेला नाही बुझि पारछ बुझि पारलो वर्तमान देख आमे ख उदाहरण टी को देखिबा झड़ कमिगला ओ पिला माने देखो एठी ओ लागिगला ओ तुमर अवयव लागिछि अवयव लागिछि माने तुम जानिजिबो जे एटा कौन अछि को वाक्य रे अछि सरल ना जौगिक सरल नाही एटा जटिल नाही जौगिक वाक्य रे अछि झड़ कमिगला
ओ पिला माने निज घर को फेरिले। एटा होचे हमरो जौगिक वाक्य। वर्तमान आपको आम सरल वाक्यर मध्य लिखिपर किपरि ना झड़ कमिगला ओ जगार आम कौन करवा ओ को हटेद अवय हटिजी सरल वाक्य अवय रहा झड़ कमार पाने निज घर को फेरिले। झड़ कमार पाने निज घर को फेरिले आम जटिल वाक्य लिखिपर किपर जेहेतु झड़ कमिगला तेणु पाने देख जेहेतु अथवा ये सब तुम आसब कौरे जटिल वाक्य जेहेतु तेणु जदि तेब से सबू शब्द गुड़िक तुम जटिल वाक्य व्यवहार हम जेपर मु तुमको कही जौगिक वाक्य तुम ओ एवं मात्र किंतु यू व्यवहार होपरी भाव संयोजक अवय विजोजक अवय सब व्यवहार आम कौर हुए आमर जौगिक वाक्य व्यवहार तो हुए से भाव जेहेतु तेणु जदि तेब जितेबले सेतर भाव पद गुड़िक शब्द गुड़िक तुम सब जटिल वाक्य व्यवहार हेबो काहेकि एगुड़ेक व्यवहृत होबा द्वारा तुम प्रधान वाक्य एवं आश्रित वाक्य जना पड़े काहेकि क्या अपेक्षा कर ये हूँ तुम प्रधान वाक्य किए अपेक्षा कर आश्रित वाक्य जेहेतु झड़ कमिगला आम खाली जो लिखिया तेणु पाने निज घर को फेरिले तेणु पाने निज घर को फेरिले तार्थ आपको किए गोटे अपेक्षा कर रही अच्छे आश्रित वाक्य जेहेतु झड़ कमिगला तेणु पाने निज घर को फेरिले। यहाँ तुमको पढ़ेगी सरल जौगिक जटिल वाक्य निश्चित भाव भल से देख है दे चल देखा उदाहरण ग जेहेतु घरे देख प्रथम जेहेतु लगला तुम कहीपर निश्चित भाव यहाँ जटिल कि जौगिक कि सरल जेहेतु घरे अशांति देखा जाए खंडवाक्य से हेतु मु सभा को जापार नहीं से हेतु तुम ये लिखिपर से मु सभा को जापार नहीं तेणु मु सभा को जापार ना ये तुम्हें कौन कर तेणु भी लिखिपर तेणु सेथी जोगु ठीक अच्छे तो सेथी जोगु एपरि भाव तुम्हें लेखि पारिबो जेहेतु घरे अशांति देखा जाए तेणु मु सभा को जापारी ना एटा तुम जटिल वाक्य होगला एटा तुम जटिल वाक्य होगला हाँ कि नहीं वर्तमान देख घरे अशांति देखा दे आम सरल वाक्य किपर भाव कर घरे अशांति देखा दे सभा को जापारि ना मु सभा को जापारि ना सरल वाक्य होगा तुम गोटे मात्र समयपेक्षा क्रिया से रहा बर्तमान या आम जौगिक वाक्य बनवा घरे अशांति देखा दूसरी तेणु मु सभा को जापारि ना बुझिपार घरे अशांति देखा दे तेणु मु सभा को जापारि ना तुम जौगिक वाक्य बर्तमान उदाहरण घ देख जेजे आसवा हेतु आमे समस्ते खुशी हेबू ए तुम कौन सी अवय ना कौन सी अवय व्यवहार होना यहाँ तुम केवल गोटे मात्र समापिका क्रिया रे शेष होती तुम सरल वाक्य हेला जेजे आसवे ओ आमे समस्ते खुशी हेबू जेजे आसवे ओ आमे समस्ते खुशी हेबू ओ ओ तुम अवय पद लगला है यहाँ हूँ तुम जौगिक वाक्य कौन सी प्रकार देख तुम जिते गुड़िक उदाहरण आम सब कले कौन सी तुम अर्थ पर तुम वाक्य पर सरल वाक्य तुम जौगिक वाक्य हो जौगिक वाक्य तुम जटिल वाक्य हो किंतु कौन सी तुम वाक्यर पर तुम अर्थर पर तेणु एगुड़िक हूँ तुम सब वाक्य गठनगत रूपांतर गठनगत रूपांतर आम तीन टा पढ़ी सरल वाक्य जौगिक वाक्य एवं तुम जटिल वाक्य गठनगत पर आम पढ़ा प्रक्रियात्मक रूपांतर जहाँकि आम आसब बृत्ति सूचक यही सब आसब जदि जेजे जदि जेजे आसबे तेबे आम खुशी हेबू ये हूँ तुम जटिल वाक्य बुझिपार
एपरि भाव तुम्हें ताकु लेखिबो जो थिरे तुम्हारा भावर कौनसी परिवर्तन अर्थर परिवर्तन हेबनी भावर परिवर्तन हेबनी किंतु वाक्यर रूपांतर हो जीवो हेला। चलो नेक्स्ट पेज एठी वाक्यर अर्थगत रूपांतर जोड़ा कि आम प्रक्रियात्मक रूपांतर विषय गठनात्मक दृष्टि दुई भाग में विभक्त कर प्रकारगत भेद में दुई प्रकार विभक्त हो गोटे हूँ गठनात्मक आउ गए हूँ प्रक्रियात्मक। वर्तमान आम ये अर्थगत रूपांतर देखा। अर्थगत रूपांतर में तुम अर्थर परिवर्तन हो तुम वाक्यर अर्थर परिवर्तन हेबो किपरि भावे आम देखीचे बिवृत्ति सूचक वाक्य प्रश्न सूचक देन तुमर नास्ति सूचक एपरि भावे तुम आदेश अनुरोध सूचक वाक्य एवं अस्ति सूचक वाक्य एपरि तुम वाक्य को प्रकारजात्मक दृष्टि आम विभक्त करिछे। वर्तमान ताकु नहीं देख किपरि भावे आमर बिवृत्ति दबापर जितने ताकु आम प्रश्न करवा तार अर्थ किपरि भावे परिवर्तन होउछि कि परिवर्तन होउनी ताहा एठारे आम जानिपरिबा। बिवृत्ति सूचक अर्थ तुम जोड़ा तुम्हें एक कमेंट दब जोड़ा एक तुम उत्कलमणि गोपबंधु थिले जड़े सच्चा देश सेवक ये तुम केवल तुम्हें स्टेटमेंट गोटे देचो केवल बिवृत्तिटे देचो जे उत्कलमणि गोपबंधु थिले जड़े दश जड़े सच्चा देश सेवक यह एक बिवृत्ति सूचक वाक्य वाक्य को आम विभिन्न प्रकार प्रकाश कर पारिबा केमिति प्रश्न सूचक नास्ते सूचक विस्मय सूचक यहपरि भाव में आम परिणत कर उत्कलमणि गोपबंधु भली सच्चा देश सेवक आउ कहती आम आउ भी किछि करि परिबा आउ किए बा अच्छी आउ किए बा अच्छी आउ किए बा अच्छी तुम्हें एठारे मध्य प्रश्न सूचक वाक्य करि परिबो उत्कलमणि गोपबंधु भली सच्चा देश सेवक नाहांती वर्तमान यहाँ नास्ति सूचक नाहांती न था नही एगुड़ाक लगे आम तो नास्ति सूचक तुम जाच उत्कलमणि गोपबंधु दास सच्चा देश सेवक थिले सच्चा देश सेवक नुहंती यहपरि भाव में तुम नास्ति सूचक वाक्य हो पारे बुझिपारल। वर्तमान देख उत्कलमणि गोपबंधु उत्कलमणि रही जाओ पिला माने हाँ उत्कलमणि गोपबंधु कि सच्चा देश सेवक सत्ते कि सच्चा देश सेवक सत्ते देख तुम शेष तुम विस्मय सूचक चिन्ह रही अच्छी अर्थात तुम्हें एठारे आश्चर्य भाव प्रकाश करिछ सतरे उत्कलमणि गोपबंधु एक देश सेवक सत्ते सतरे एपरि भाव में लगे तुम्हें जदि विस्मय सूचक चिन्ह देदेव ताल वाक्यटी तुम विस्मय सूचक परिणत हो बुझिपारल। नास्ति सूचक जितेबाला करुच तुम ये तुम पूर्ण छेद रही किंतु जिते प्रश्न सूचक वाक्य कर तुम ये क्वेश्चन मार्क प्रश्न सूचक चिन्ह तुम व्यवहार कर बिवृत्ति सदा सर्वदा तुम पूर्ण छेद ही अंत कहीं यहाँ केवल स्टेटमेंट दिखाई बिवृत्ति सूचक बिवृत्ति पाठ कर बिवृत्ति दि जाए बुझिपारल। देन चल देखा प्रश्न सूचक वाक्य बर्तमान बिवृत्ति सूचक वाक्य को कईपर भाव आम प्रश्न सूचक कले कईपर भाव में नास्ति सूचक वाक्य परिणत कले कईपर भाव में विस्मय सूचक वाक्य परिणत कले बर्तमान तुम्हें देख ल। बर्तमान चल देखिए प्रश्न सूचक वाक्य को किपर भाव में आम बिवृत्ति सूचक करवा बिवृत्ति सूचक करवा नास्ति सूचक करवा विस्मय सूचक करवा प्रश्न सूचक वाक्य बिजु बाबू को ओडिशा रे किए न जाने
विजु बाबू को ओडिशा रे किए न जाने तुमर जेतलो देखो न नाही एगुडाक जेतलो लागिगिर हुए किए न जाने किए तुमर एठी प्रश्न रहिला न नटा तुमर नास्तिरे भी व्यवहार होची नाहंती भी नास्तिरे व्यवहार होची किंतु किए केउठी केउठारे एगुडाक तुमर सब प्रश्न सूचक रे व्यवहृत हुए बुझिपारच विजु बाबू को ओडिशा रे किए बा न जाने हाँ विजु बाबू को परी लोक किए बा अछि तो किए जेतला तुम्हें लगे दूचो सेटा तुम प्रश्न सूचक हो बुझिपार लटा तुम बर्तमान रहा प्रश्न सूचक वाक्य आपको चल बर्तमान आम नास्ति सूचक करवा बृत्ति सूचक करवा विस्मय सूचक करवा बुझिपार चल विजु बाबू ओडिशा रे काहा को अजणा नुहंती नुहंती लागिगला देख एटा तो तुम ये नास्ति सूचक होगा विजु बाबू को ओडिशा रे समस्ते जानती यहाँ जदि आम करवा कौन हम विजु बाबू को ओडिशा रे समस्ते जानती विजु बाबू को ओडिशा रे समस्ते जानती एटा तुम बृत्ति सूचक हो विजु बाबू को ओडिशा रे समस्ते जानती यहाँ केवल आम गोटे स्टेटमेंट दे हेला एथिरे ना तुमर विस्मय होबार अछि ना तुमर नास्ति सूचक रहुछि ना तुमर कोनोसी प्रश्न सूचक रहुछि को किछि मध्य तुमर एठी सिम्पटम्स लक्षण सेमती नाही बुझिपारल एठी तुमर बिवृति सूचकर शेषरे पूर्ण छेदटिए रहिबो एवं देख देन विस्मय सूचक विजु बाबू परी ओडिशा रे विजु बाबू पुणी ओडिशा रे कहार अजणा विजु बाबू पुणी ओडिशा रे कहार अजणा बा विजु बाबू सतरे जणे जनाशुना मनीषटी बुझिपारल यहीपरी भाव में तुम्हें लिखो जार अर्थ परिवर्तन हेब ना किंतु अर्थर परिवर्तन नहले आमे ताकू जेतेबेले अर्थगत रूपांतर करुचे जेपरी बिवृति सूचक को तुम्हें विस्मय सूचक परिणत करदे प्रश्न सूचक परिणत करदे तो अर्थ ये परिवर्तन हो बुझिपारल दे चल देखिबा नास्ति सूचक वाक्य अज्ञात युवक को आश्रय देवा ठीक हेला नाही अज्ञात युवक को आश्रय देवा ठीक हेला नाही एटा तुम नास्ति नास्ति रे तुम सब नथिला नाही नाहंती ए सब तुम शेष रे रहिबो एटा तुम नास्ति सूचक वाक्य बर्तमान को आम कौन करवा बृत्ति रे करिपरिबा प्रश्न रे करिबा विस्मय रे करिबा चलो प्रथमे बृत्ति रे करिबा अज्ञात युवक को आश्रय देवा भूल अज्ञात युवक को आश्रय देवा भूल यह व्यतीत आम आउ कौन भी लिखिपरिबा बृत्ति रे अज्ञात युवक को आश्रय देवा अनुचित भूल जगह आम से अनुचित लेखि पारिबा बुझिपारल अर्थ को किछि परिवर्तन होउछि नाही अज्ञात युवक को कौन आश्रय दिया जे किंतु वाक्य बिवृति सूचक हिसाब रे किबा विस्मय सूचक हिसाब रे जेतेबेले आमे तार चिन्हटिए प्रदान करि दोउछु चिन्ह प्रदान करि दोउछु सेतेबेले तार अर्थ परिवर्तन हे जाउछि बुझिपारल अज्ञात युवक को कौन आश्रय दिया जे ये कौन देख तुम ये कौन लगला प्रश्न होगला कौन किए केउठारे काहीकि सबू तो लगे आम प्रश्न सूचक वाक्य अज्ञात युवक कौन आश्रय दि जाए देन देख अज्ञात युवक को पुणी आश्रय अज्ञात युवक को पुणी आश्रय यहपरी भाव तुम विस्मय सूचक चिन्हटे प्रदान कर यहपरी भाव आम नास्ति सूचक वाक्य को कौन करें बृत्ति रे कले देन प्रश्न रे कले देन तुम विस्मय सूचक वाक्य परिणत कर पारे बुझिपार वर्तमान चलो देखिबा विस्मय सूचक वाक्य को किपर भाव आम करवा बृत्ति रे प्रश्न रे नास्ति रे एबे देख विस्मय सूचक वाक्यटी लिखा जाइछि लंकारे पुणी हरि शब्द आश्चर्य होइछि लंकारे पुणी हरि शब्द एटी विस्मय सूचक वाक्य चिन्ह मध्य दिया जाइछि आश्चर्य नित होइ करी तुम्हें एटी को कहिछ हाँ सतरे लंकारे पुणी हरि शब्द
ବୁଝିପାରିଲ? ଏଠି ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛ, ବିସ୍ମୟ ହୋଇଯାଇଛ। ଏଇ ଏହାକୁ ଆମେ ବିବୃତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ କରିବା, ନାସ୍ତିସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା। ଚାଲ, ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ଖୋଜିବା ବୃଥା। ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ଖୋଜିବା ବୃଥା, ଇଏ ହେଇଗଲା ତୁମର ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ। ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ କି? ଲଙ୍କାରେ କ'ଣ ହରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିପାର। ଲଙ୍କାରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା କି ତୁମର ଲେଖିଛି, ଏଇଟା ତ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କ'ଣ ଲଗେଇବି କରିପାର। ଲଙ୍କାରେ କ'ଣ ହରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ, କ'ଣ ଲାଗିଲା? ତୁମେ ସେଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଦେନ୍ ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଯେଉଁଟା ଲେଖାଯାଇଛି, ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ମିଳେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ କରିପାରିବା। କ'ଣ କରିପାରିବା? ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ତାକୁ ନାସ୍ତିସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ବୁଝିଗଲ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଆମେ ଅର୍ଥଗତ ରୂପାନ୍ତରିତ ଆମେ କରିପାରୁଛେ ବିବୃତ୍ତିକୁ ବିସ୍ମୟରେ, ନାସ୍ତିରେ, ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ କିପରି ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ନାସ୍ତିକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ, ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକରେ ପରିଣତ କଲେ, ପୁଣି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଆଉ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଇଏ ବାଚ୍ୟଗତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ, ବାଚ୍ୟଗତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ। ବାଚ୍ୟଗତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କ'ଣ କହିବ? କହିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବଚନରେ, ବାଚ୍ୟରେ, କଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ବୋଲି କହୁ। କହିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ଯଥା ଦେଖ, ଏଇଠି ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଝରକା ଖୋଲ। ଏହା ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଝରକା ଖୋଲା ହେଉ ବା ଝରକା ଖୋଲା ଯାଉ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବାଚ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏଇଠି ତୁମର କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, କର୍ମବାଚ୍ୟ, ଭାବବାଚ୍ୟ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ବାଚ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଦେଖ ଏଇଠି ବିଜ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ, ଏଇଟା କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, ଭାବବାଚ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ତୁମକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିବ, ଏଥିରୁ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟଟିକୁ କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ପରିଣତ କର କିମ୍ବା ଭାବବାଚ୍ୟରେ ପରିଣତ କର, ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏଇଠି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, ଏଇଠି କିଏ ଯାଉଛି? ବିଜୟ। କିଏ ଯାଉଛି? ବିଜୟ। ବିଜୟ କଲିକତା ଯିବ। କର୍ତ୍ତା କିଏ? ନା ବିଜୟ। ବିଜୟ କଲିକତା ଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ସେ କ'ଣ କରିବ? ନା ସେ ଯିବ। ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ନା କଲିକତା ଯିବ, ତା ଦ୍ୱାରା କଲିକତା ଯିବା ହେବ। ତ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଜୟର କଲିକତା ଯିବା ହେବ, କେଉଁଠାକୁ ଯିବା ହେବ? କାହାର କେଉଁଠାକୁ? ଯେଉଁ କେଉଁଠାକୁ ତୁମର ହେଇଗଲା ତୁମର କର୍ମବାଚ୍ୟ ହେଲା, କେଉଁଠାକୁ, କେଉଁ କେଉଁଥିପାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ତୁମର ସେଇଟା କର୍ମବାଚ୍ୟ। ତ ବିଜୟର କଲିକତା ଯିବା ହେବ ହେଉଛି ତୁମର କର୍ମବାଚ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏଠାରେ ଉଦାହରଣ ଖରେ ଦେଖ, ରାଧା ଶ୍ୟାମ ଦ୍ୱାରା ଭାଷଣ ଭଲ ହୁଏ, ଏଇଟା ତୁମର କର୍ମବାଚ୍ୟ। କାହା ଦ୍ୱାରା? କାହା ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଅଛି ତୁମେ, କାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, କିଏ, କାହା ଦ୍ୱାରା, ଏଠି ତୁମର ଆସିଗଲା ତୁମର କର୍ମବାଚ୍ୟ। କାହା ଦ୍ୱାରା? କାହା ଦ୍ୱାରା କିଏ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ତୁମର ସେଇଟା କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ରାଧା ଶ୍ୟାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ତୁମର କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଦ୍ୱାରା, ର, ଏହିପରି ଭାବରେ ଲାଗିକରି ବାକ୍ୟଟି ହେଇଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେନ୍ ରାଧାଶ୍ୟାମ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାଷଣ ହୁଏ, ଏଇଟା ତୁମର କର୍ମବାଚ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ରାଧାଶ୍ୟାମ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇପାରନ୍ତି। କିଏ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇପାରନ୍ତି? ତୁମକୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ସବୁ କାରକରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼େଇଥିଲି, କାରକଟା ତୁମର ସବୁଥିରେ ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିଏ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇପାରନ୍ତି? କିଏ ଯିଏ, କିଏ ହେଉଛି ରାଧା, ରାଧାଶ୍ୟାମ କିଏ, କିଏ ଯଦି
तुमर प्रश्न जो तुम करुच किए आसला तुम्हें जानव सीटा हूँ तुम कर्तृवाच्य किए भल भाषण दे पारती ना राधाश्याम का द्वारा देख ये कर्मवाच्यर मुझे का द्वारा जिते कह जाए से तुम कर्मवाच्य किए हूँ तुम कर्तृवाच्य मन रहा यहपर भाव में तुम्हें कर्तृवाच्य कर्मवाच्य ध्यान रे मन रखि उदाहरण को ये ट्रिक टी मन रखिले तुम के कर्तृवाच्य कर्मवाच्य कौन सी प्रकार त्रुटि हे ना देन देख ये भाववाच्य तनुजार नाच हेउ तनुजार नाच हेउ एटा को कहार नाच हेउ कहार ये केवल भावन भाववाच्य कहार नाच हेउ ना तनुजार ताको जदि आमे कर्तृवाच्य कर दा तनुजा नाचु ना तनुजार नाच हेउ तनुजार टिके नाच हे जाउ आमे एमदी कहुने हाँ सी नाचु पिलाटी नाचु पिलाटार टिके नाच हो जाऊ तो एडा होची भावना तुम्हें भावन जहाँ ग्रहण करुछ सेटा होची तुम भाववाच्य कहार नाच तुम्हें देखा भल पाच एठार कहवाक गले तुम्हें कहार नाचटी देखापी चाहूच तनुजार नाचटी को बुझिपार तनुजा नाचु किए नाच ये कर्तृवाच्य मुझे तुमको कही कर्तृवाच्य सर्वदा तुम किए नाचु ना तनुजा नाचु कहार नाच हेउ ना तनुजार नाच हेउ एठी प्रथमटा को देख क जो उदाहरण दे विजय कलिकता जीव कहार केउठा को जीवा हेब विजय केउठा को कहा द्वारा एगुड़ाक तुम कर्मवाच्य तुम व्यवहार हेब कहा द्वारा जीवा हेब विजय कलिकता र लग तुम साधारणतः तुम कर्मवाच्य आउ भाववाच्य देन देख एठी कर्तृवाच्य माँ रांधुचंती माँ रांधुचंती माँ माँटा तुम हो क्रिया सॉरी कर्ता किए किए रांधुचंती किए रांधुचंती जदि आम प्रश्न करवा किए रांधुचंती ना माँ रांधुचंती हैला वर्तमान एटा को आम जदि भाववाच्य करवा मु कहली भाववाच्य रे तुमर र उच्चारणटा र व्यवहार रहिबो कहा सहित ना कर्ता सहित माँ को रंधा चली कहार रंधा चली कहार नाच हेउ हैला एहिपर भाव में तुम भाववाच्य मन रहा किए हे तुम कर्तृवाच्य कर्मवाच्य कहा द्वारा बा केउठा को कहा द्वारा एगुड़ाक तुम कर्मवाच्य जीव भाववाच्य कहार हैपरि भाव में तुम्हें मन रख कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य देन चल पाने नेक्स्ट पेज वाक्य संक्षेपण अच्छा बर्तमान आमर वाक्य रूपातर संपूर्ण भाव सरी बर्तमान वाक्य संक्षेपण पढ़ा से वाक्य संक्षेपण वाक्य रूपातर बहुत मत मेल रहुअ जेपर वाक्य को संक्षेपण मान संक्षिप्त करवा तथा से कौन सी अर्थगत पार्थक्य रहा चलो बर्तमान देखिबा वाक्य संक्षेपण केही केही अधिक कथा को अल्प प्रकाश करती केही केही मध्य अल्प कथा को अधिक भाव प्रकाश करती दीर्घ वाक्य अपेक्षा छोट वाक्य कहवा को शुणा को भल लगे निश्चित भाव में बहुत बड़ लेंदी वाक्यटी आम शुणा को आम भल लगे ना जदि से वाक्यटी हम छोटे कहवा तार अर्थ किसी परिवर्तन होबना ताहले आमे शुणापी भल पाइबा तेणु दीर्घ वाक्य को संक्षेपर प्रकाश करें संक्षेपर मान छोट करी टिके प्रकाश करवा आम अधिक शब्दर व्यवहार न कर अल्प शब्दर व्यवहार करवा जार कि अर्थ थी एवं अर्थ रे कौन सी प्रकार परिवर्तन हेब ना ए प्रकार परिवर्तन को वाक्य संक्षेपण कहा जाए हैला वाक्य संक्षेपण क्षेत्र में आम कौन ये व्यवहार करवा
संधि जमी तुम वाक्य रूपातर में तुम कौन वाक्य को केवल परिवर्तन करुथलो सरल वाक्य रु जौगिक करुथलो जौगिक रु जटिल को करुथलो किंतु एठी जेतला आमे वाक्य संक्षेपण करिबा आमर संधि समास कृदंत तद्धित उपसर्ग समार्थबोधक शब्द विशेष भाव में सहायता करथांती बुझिपारलो संधि को व्यवहार करी मध्ये आमे की परि भाव में वाक्य को संक्षिप्त करि परिबा चलो वर्तमान देखिबा अति आवश्यक जिनिसर अति आवश्यक एटा को आमे कौन करि परिबा ना अत्यावश्यक करि परिबा अति आवश्यक को अत्यावश्यक छोट हो गला दुईटी अति आवश्यक तुम्हार दुईट पद ये दुईट पद ताकू आम गोटे पद करदे जिनिसर दर अधिक बढ़ुची दर अधिक देख ये दर अधिक दुईट पद ये दुईट पद तो ये दुईट पद को आम कौन कले दर वृद्धि करदे दर अधिक बढ़ुची दर वृद्धि होला बढ़ुचीटा को रखाए दर वृद्धि दर बढ़ुची दर वृद्धि होपरि भाव में आम जो संक्षिप्त करदे तो वाक्यटी तो संक्षिप्त होगा पढ़ापाई शुणा को मध्य भल लगुच बुझिपारे देन देखा सेकेंड अति अधिक अत्याधिक अति अधिक को आम सर्ट कर पारे कौन हो अत्याधिक हाँ कि नहीं वक्तव्य स्पृहणीय नुहे वक्तव्य स्पृहणीय नुहे कि तो किसी कमे पारना कौन सी पद को आम सर्ट कर पारना केवल अति अधिक को अत्याधिक ही आमे करी परिबा तो एटा कौन है गला अति प्लस अधिक दुईटी संधिर मिलन रे आमर नूतन एक शब्दटी गठित हैला दुईटी शब्दर दुईटी शब्द को नहीं आमे गोटे शब्द बनई देले हाँ कि नहीं अति देन आवश्यक अति आवश्यक ये आमर दुईटी पदर मिलन रे आमर कौन है अत्यावश्यक है भाव में तुम दुईटी पदर आम गोटे पद केवल करद्वारा पदटी वाक्यटी संक्षिप्त एवं तार अर्थ परिवर्तन होबनी भाव परिवर्तन होबनी शुणापी भल लगे वर्तमान चल देखा समास द्वारा किपर भाव में आम वाक्य को संक्षेप करी पारिबा देखो ये स्वामी और स्त्री तुम्हें द्वंद समास गुड़ा के सब पढ़ीच स्वामी और स्त्री दुई जन जाक आज आसबे दंपति आज आसबे दुईटी शब्द स्वामी और स्त्री दुईटी शब्द कौन है गला दंपति ही गला स्वामी और स्त्री दुईटी शब्द आमर कौन है गला दंपति ही गला देन देख बर ओ कन्या बर ओ कन्या दुईट पद आदि आम संक्षिप्त करदे यहाँ तुम द्वंद्व ही आसुच्ची बर कन्या बेदी में बस दुईज जाक को आम उभय लिखिपर दुईज जाक को सर्ट करोट कर उभय लिखिपर कि न लिखि आम बर कन्या बेदी में बस लिखले आमर कौन सी भाव पर बुझिपारल यह हूँ समास द्वारा समास द्वंद्व तुम समास ना तेणु समास द्वारा आमर किपर भाव में वाक्य संक्षेपण है देन देख कृदंत द्वारा कृदंत द्वारा तुम कृदंत कौन रहे धातु आ प्रत्यय को लेकर तुम कृदंत हुए देन चल देखा कृदंत द्वारा किपर भाव में आम छोट कर पार्बा जानिबाकु इच्छा करथुबा छात्र विद्या लाभ करिबे जानिबाकु इच्छा पीबाकु इच्छा करिबार इच्छा आमर सनंत जोगे कृदंत गुडी के जानिथिबो सनंत निजंत ए हिसाब रे आमर हेछि जानिबाकु इच्छा जार अर्थात जिज्ञासु जानिबाकु इच्छा जार से परि भाव रे तुमर जानिबाकु इच्छा तुमर जिज्ञासु जिज्ञासु छात्र विद्वान हेबो जिज्ञासु छात्र विद्वान हेबो जी जय करिवार इच्छा जेपरि भाव रे तुमर कौन होउछि जिगीसा सन प्रत्यय अर्थ रे तुमर एगुडी के सब होउछि जिगीसा
व्यक्ति बा जय करिबार इच्छा थिबा व्यक्ति सबुठारे विजयी हुए जो इच्छा थिबो इच्छा क्षेत्र रे तुम्हारो सब सन प्रत्यय व्यवहार हेबो तो जय करिबार इच्छा थिबा मु एठी खाली उदाहरण टिए देउछु तुमको जय करिबार इच्छा थिबा व्यक्ति सर्वदा विजय हुए तो ए जो जय करिबार इच्छा थिबा तो जय करिबार इच्छा जय करिबार इच्छा को मु कौन लिखि परबी एको जिगीसा भी लिखि परबी जिगीसा व्यक्ति सर्वदा विजय हुए ए परि भाबरे मु वाक्यटिकु संक्षिप्त मध्य करि परबी तुम्हें माने मध्यो निश्चित भाव यही प्रत्यय को व्यवहार करी अनेक गुड़े उदाहरण निजे तैयारी करी पारिबो जहाँ करिबा उचित ताहा करो अर्थात कर्तव्य करो यही परि भाव रे तुम्हारा अर्थ प्रकाश पाउची कृदंत प्रत्यय द्वारा हाँ कि नहीं वाक्य को संक्षेप करा जाई पारुची अर्थ तुमरो भाव चेंज हो पारुनी परिवर्तन हेबो नाही किंतु तुमरो वाक्यटी संक्षेप होई जीवो तधित द्वारा देखो वर्तमान तधित द्वारा पान व्यापार करूथिबा लोकटी अन्य ग्राम को गला अन्य ग्राम आमे एटा को ग्रामांतर लिखि पारिबा अन्य ग्राम को आमे ग्रामांतर कर देले दुईटी पद अन्य ग्राम दुईटी पद को आमे गोटिए पद केवल कर देले बुझि पालो पान व्यापार करथुबा लोकंकु आमे कोन कह पान व्यापार करथुबा लोकंकु आमे कोन कहबा चारोटी पद पान व्यापार करथुबा लोक चारोटी शब्द को आमे गोटिए केवल पद रे परिणत कर देले जोडा कि हमर पानरा ग्रामांतर गला गिरिपथ भावरे खाइबर सबुठारु लंबा गिरिपथ भावरे खाइबर सबुठारु लंबा सबुठारु लंबा दीर्घतम सबुठारु लंबा दीर्घतम होइगला गिरिपथ खाइबर दीर्घतम गिरिपथ खाइबर दीर्घतम गिरिपथ होइगला तुमर तीनोटी पद रे भावर परिवर्तन किछि भी हेला नाही भावर परिवर्तन न होई तुमर वाक्यटी संक्षेप होई गला या पर देखो उपसर्ग द्वारा मध्य तुमे पवनर विपरीत दिगल रे साइकिल चलाइबा कष्ट कर पवनर विपरीत दिग तुमर दुईटी पद को आमे गोटी पद रे मध्ये लेखि पारिबा प्रतिकूल रे विपरीत दिग अनुकूल प्रतिकूल विपरीत दिग प्रतिकूल रे पवनर प्रतिकूल रे साइकिल चालना चलाइबा कष्टकर साइकिल चालना कष्टकर बुझिपारछ एई परि भाबरे तुम्हें वाक्य को संक्षेप करि परिबो संधि समास कृदंत तद्धित उपसर्ग को व्यवहार करि बुझिगल पिला माने बर्तमान समर्थबोधक शब्द द्वारा मध्य तुम्हें किपरि भाबरे परिवर्तन करि परिबो एठारे तुम्हारो दिया जाइछि देखो विष्णु उपासक माने खोल करताल बजाई नाम जप करुछंती विष्णु उपासक मानको आमे कोण कहि परिबा वैष्णव कहि परिबा करताल बजाई नाम जप करुछंती अर्थात करताल बजाई कीर्तन करी कीर्तन करुछंती बुझि परला एडी एकदम आमर संक्षेप रे हे परला भाव मध्ये परिवर्तन हेला नाही जेउ पिला माने बेसी जिद करंती से माने बाप को बापा आदो पसंद करिनहंती करंती नाही अर्थात जेउ पिला माने बेसी जिद करंती अर्थात जिद खोर एटा गोटी पद हेगला पिलांकु बापा आदो पसंद करंती नाही आदो पसंद करंती नाही ना पसंद करंती आदो पसंद को आमे ना पसंद कर देले बुझि पालो आदो पसंद को ना पसंद कर देले एई परि भाबरे तुमे वाक्यटी को संक्षेप करिबो जो द्वारा तुम्हारो भावर परिवर्तन हेबो नाही किबा अर्थर परिवर्तन हेबो नाही देन देखो
उक्ति परिवर्तन द्वारा। उक्ति परिवर्तन किपरि भाबरे करा जाइछि देखो, तुम्हें डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच तुम्हें पढ़ी थी इंग्लीश रे, मु आज इंग्राजी पढ़ाइबी। शिक्षक कहिले, शिक्षक कहिले मु आज इंग्राजी पढ़ाइबी। जिए कहिबो, जिए कहिबो सेडा होची तुम प्रत्यक्ष उक्ति बा डायरेक्ट स्पीच तुम कौन कही तांकरी कथाटा को जदि अन्य जने किए कहिबो, कहिथिबा व्यक्तिर कथा को अन्य जने जदि कहिबो ताहले सेडा हिजबो इनडायरेक्ट स्पीच बा परोक्ष उक्ति। हेला प्रत्यक्ष उक्ति परोक्ष उक्ति। शिक्षक इंग्राजी पढ़ाइबे बोली कहिले अर्थात एटा को अन्य किए कहिछि, शिक्षक कहिथिबा कथाटी को एठारे अन्य किए कहिछि, तेनु एडा हेगला परोक्ष उक्ति। बुझिपारला? देन देखो वाक्य संक्षेपण होइगला एवं उक्तिटी सुनिबा पाई मध्य भल लागुछि। देन देखो द्वितीय उदाहरण रे, हरि यात्रा देखी नाही बोली कहिला। हरि यात्रा देखी नाही अन्य जने किए कहुछि, तेनु एडा परोक्ष उक्ति। हरि यात्रा देखी नाही बोली कहिला। हरिर कथाटी को जदि आमे कहिबा, आमे जदि कहिबा हरि कहिला, हरि कहिला मु यात्रा देखी नाही, हरिर कथाटा को हाँ जेतला आमे कहुचे अन्यर कथाटी को आमे जेतला कहुचे सेडा होची परोक्ष उक्ति। जेतला तारी कथाटा सी जेतला निजे कहे सेडा होची प्रत्यक्ष उक्ति। बुझिपारल? परोक्ष उक्ति आ प्रत्यक्ष उक्ति पिला माने आज तुमर वाक्य विचार संपूर्ण भावरे समाप्त हो जाएछि। यार प्रश्न उत्तर मु निश्चित भाबे तुमको शेयर करी। वर्तमान आज पाई तुमरो एतिकी। बाय।